नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड मैटर। वो नहीं करता पोस्टन क्या है, यानी कौन से ऑफर लेटर वीज़ा या फिर आपको कौन सी जॉब में जाता है। मैटर वो करता है कि आप किसी भी देश के लिए अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि इसमें सच है या झूठ है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे आप सोचेंगे यार ड्राइवर का है ऑफर लेटर, हमें क्या मतलब है, फर्जी है तो है, हमें तो दूसरे जॉब में जाना है। अरे मतलब कैसे नहीं, आप वाला जॉब भी तो फर्जी हो सकता है। तो आप जान लीजिए, वीडियो पूरा देखिए। कुवैत में जॉब के लिए बंदे के पास ऑफर लेटर भी आया, वीज़ा भी आया। 2,80,000 में डील हुई। कुवैत में ऑयल कंपनी में काम करना था, हेवी ड्राइवर के जॉब में 300 KD तनख्वाह बताई गई थी। जी हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है लाइसेंस की, मेडिकल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, पैसा दे दो। 2,80,000 की डील हुई थी, 1,20,000 रुपये बंदे ने दे दिए। जी हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है बंदे के साथ में। मेडिकल के नाम से 36,000 रुपये बताए गए, उसका मेडिकल भी करवा लिया गया। मेडिकल होने के बाद में उनको ऑफर लेटर दिया, उसके बाद में उनको वीज़ा दे दिया। अब क्या आपको पता है कुवैत की क्या हालात है भाई? कुवैत की फ़्लाइटें बंद हैं पिछले 2020 मार्च से लेके अब तक, वीज़ा बंद हैं। जो लोग इंडिया आए थे वो वापस नहीं गए, उनके वीज़ा कैंसिल हो गए, लेकिन नए लोगों को नए वीज़ा मिल रहे हैं। उनकी फ़्लाइटें तो कैसी होती हैं वो तो सबको पता ही है, डिटेल से हम जानेंगे। ऑफर लेटर वीज़ा भी मैं दिखाऊंगा, सावधानी बरतने की आपको सख्त ज़रूरत रहेगी। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर ले। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर दिखा देते हैं। ऑफर लेटर देखिए भाई, ये ऑफर लेटर है बंदे का, कुवैत ऑयल कंपनी नाम है सिर्फ इसका, कुवैत ऑयल कंपनी, कंपनी का नाम ही कुवैत ऑयल कंपनी बताया गया है। एड्रेस कंपनी का पूरा दिया गया, आप देख सकते हैं। हालांकि ईमेल आईडी वगैरह नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दे रखे हैं, इतना कुछ है नहीं इसमें। ऊपर आप समझ सकते हैं, ऊपर देख लीजिए भाई, बंदे का नाम दिया गया है। जॉब एप्लीकेशन नंबर इसमें देखिए कितना दिया गया है, 1114 नंबर पे इसका नंबर आया है। डेट देखो 6/10/2021, यानी नए महीने का, इसी महीने का है ये। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई आपको मिल चुकी है। कुवैत ऑयल कंपनी में आपका सिलेक्शन होने का ऑफर लेटर दिया गया है। देखिए पोस्टन ऑफरिंग हेवी ड्राइवर वेज ऑफ 300 या भाई के डी, ओ हो तनख्वाह देखिए भाई कितनी है बंदे की, 300 KD फ्रेश बंदे की ड्राइवर की कुवैत में। जबकि सबको पता ऐसा नहीं होता है, अगर ड्राइवर लोग रहते हैं तो उनको सबको पता ही होता है। देखो 1.5 KD पर डे आपको पेड मिलेगी, ओवर टाइम के तौर पे इसमें दिखाया गया, ओवर टाइम भी सब कुछ बताया गया है। 2 साल कंप्लीट आपको वर्क करना पड़ेगा। कुवैत ऑयल कंपनी हेड बाय रिक्वेस्ट अरेंज प्रोवाइड मेडिकल रिपोर्ट वगैरह, 11 जून तक आपको मेडिकल रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी होगी। जी हाँ, इस तरह से इसमें कुछ बताया गया है। मिनिमम 2 साल का वीज़ा रहेगा। प्लेस ऑफ देखिए कुवैत का है एम्प्लॉयमेंट में, ट्रायल पीरियड 2 मंथ का रहेगा। टाइम 8 घंटे ड्यूटी है, जबकि ड्राइवर की कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता है, आप सबको बताइए, लेकिन फिर भी 8 घंटे ड्यूटी इसमें बताइए, अच्छी बात है। अकोमोडेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन तो भाई खुद के पास है ही, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें कैंडिडेट ऑफ टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट पर कुवैत लेबर लॉ के हिसाब से फाइनल होगा भाई। मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कवर किया जाएगा, ये बातें इसमें सब कुछ दी गई है। अब नीचे भी एक और दिया गया भैया ओरिजिनल, इसको देख सकते हैं, देखिए कितनी फ़ोटो मोहर वगैरह सब लगा के बढ़िया तरीके से तैयार इसको किया गया है, ताकि बंदे को ये नहीं लगे कि भाई ये फेक है 1% भी। देखिए एज ए लेव बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रोविजन इन रिगार्ड रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा, सब कुछ इसमें दिया गया है। सोसाइटी वगैरह मेड ऑफ स्टेटमेंट डिप्यू, ओवर टाइम 4 से 5 घंटे मिलेगा, 1.5% पॉलिसी पर आवर्स के हिसाब से मिलेगा। आप समझ सकते हैं ये ऑफर लेटर आपने देख लिया, इस तरह से ये ऑफर लेटर है। आगे हम इसको वीज़ा और दिखा देते हैं भाई, ये वीज़ा है आप देखिए, इस तरह से ये वीज़ा बंदे का आया हुआ है। अब इस वीज़ा कुवैत की प्रॉब्लम ही आ जाती है, इस तरह से इसको चेक ना करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, आप समझ सकते हैं। तो ये ऑफर लेटर भी आ गया बंदे का, वीज़ा भी आ गया, 1,20,000 रुपये इसने दे दिया। अब क्या होगा इनका, मुझे समझ में कम आ रहा है। आपको कोई समझ में आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार जो लोग कुवैत का सबको पता है भाई, जो कुवैत जाना चाहते हैं स्थिति क्या चल रही है कुवैत की, तो आपके साथ भी आप बहुत सारे ज़्यादा लोग अगर गल्फ में बात करें तो दुबई के बाद कुवैत जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का सिक्का थोड़ी हाई रेट मिल जाती है, तो इस वजह से लोगों की सोच होती है कुवैत जाएं। तो उसी चक्कर में फिर एजेंटों का एक फार्मूला बढ़ जाता है कि हाँ जी कुवैत आ जाओ जी, हमारे पास बहुत जॉब है। लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, अभी रोज़ लोग कुवैत के वीडियो बनाते हैं, जॉब दिखाते हैं, वीज़ा दिखाते हैं, लेकिन कहाँ से दिखाते हैं वो तो वो जाने भाई। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कोई भी डॉक्यूमेंट वीज़ा ऑफर लेटर आए तो चेक वेरीफाई ज़रूर कर लें, फिर आप पैसा देने की सोचें, वरना एक बार जो पैसा दिया वो गया। समझ गए बात को।
सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।